इस लोकसभा चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रणनीति को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। पश्चिमी यूपी में मायावती ने ऐसे उम्मीदवार उतारे थे जिन्होंने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई, लेकिन अब मायावती असली फैसले ले रही हैं जो अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। इस बीच कल रात मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी की दो अहम जिम्मेदारियों से किनारे कर दिया। इनसे सवाल करना, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। वोट मांगने आए तो उसे वोट चप्पल जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना। ये लोग आपके बच्चों को फिर मजदूर बनाना चाहते। तल्ख तेवर, ना कभी झुके हैं ना कभी झुकेंगे। आक्रामक भाषण, विरोधियों पर सटीक हमला और न जाने क्या क्या। चार महीने के भीतर ही आकाश आनंद ने यूपी की राजनीति में अपने नाम को आकाश जितना ऊपर उठा लिया था, लेकिन एक झटके में मायावती ने बीएसपी के उगते हुए इस सूरज को अस्त कर दिया। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। मायावती के इस कदम के बाद से ही यूपी की सियासत गरमाई है। किसी के पास भी इसका सीधा जवाब नहीं कि मायावती ने आखिर ऐसा क्यों किया, वो भी तब जब आकाश आनंद नए युग के नए तौर तरीकों के जरिए पार्टी में जान फूंक रहे थे, जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक सक्रिय दिख रहे थे और चुनावी भाषणों में विरोधियों पर हमला करते हुए पार्टी के पुराने वोट को जोड़ने की कोशिश में जुटे थे। कौन सा महीना होता है जब पेपर लीक नहीं आता, क्योंकि अगर आपको रोजगार मिल जाएगा तो बाबा साहब ने जो आपके लिए ये आरक्षण तय किया है वो भी आपको मिल जाएगा। तो जब आपको नौकरी नहीं देनी पड़ेगी तो आपको आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। ये साथियों सोची समझी साजिश है इन लोगों की। आकाश आनंद को लेकर चर्चाएं तो 10 दिन पहले से ही थी, क्योंकि 28 अप्रैल को उन्होंने सीतापुर में जो रैली की थी उसमें बीजेपी पर ऐसा हमला बोला कि थाने तक में केस दर्ज हो गया था। आकाश आनंद की उस रैली के बाद मायावती के तेवर बदले बदले दिखाई दिए। सीतापुर के बाद चार जगहों पर आकाश आनंद की रैली प्रस्तावित थी, लेकिन सभी रैलियों पर मायावती ने रोक लगा दी। आकाश आनंद सिर्फ चुनावी रैलियां भर नहीं कर रहे थे, बल्कि वो पार्टी को एक नई दिशा में ले जा रहे थे। मायावती बेशक कहीं इंटरव्यू ना देती हूँ, लेकिन आकाश आनंद इस मामले में बिल्कुल अलग थे। न सिर्फ अलग थे बल्कि खुलकर बीजेपी को घेर रहे थे। सबसे ज्यादा बेरोजगारी यूपी में है, सबसे ज्यादा क्राइम यूपी में है। किसी का कहना कि हम सारी सीटें निकाल लेंगे एरोगेंट या इग्नोरेंस होगा। ग्राउंड पे उनको लोगों की बातें सुनने की जरूरत है। आकाश आनंद की पूरी कोशिश यही थी कि वो उस वोट बैंक को वापस अपने साथ जोड़े जो छिटक कर बीजेपी के साथ चला गया है, और जैसे ही मायावती ने उन पर लगाम लगाई कई लोग हैरान रह गए। भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला समाजवादी लोग कर रहे हैं। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से सबसे मैं अपील करता हूं कि अपना वोट ना खराब करें इस चुनाव में, लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए समाजवादियों की मदद करें। आकाश आनंद लंदन से पढ़कर आए हैं। 2017 में मायावती ही उन्हें एक रैली में लोगों के सामने लेकर आई थी। उन्हें पार्टी का भविष्य भी बताया गया, लोकसभा चुनाव का स्टार प्रचारक बनाया गया, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। कई लोग यही मान रहे हैं कि बीजेपी पर तीखे हमले के चलते उन पर लगाम लगाई गई है। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है। आकाश आनंद भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था, और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। डेढ़ साल बाद, साल भर बाद बहन जी को यह आभास उड़ा कि वो मैच्योर नहीं है। अगर मैच्योरिटी नहीं थी तो आपने उत्तराधिकारी बनाया क्यों? ये तो बहन जी अपनी इमैच्योरिटी का सर्टिफिकेट दे रही है। आकाश आनंद अब तक सोशल मीडिया पर किए गए मायावती के हर पोस्ट को रीट्वीट करते थे, लेकिन मायावती के इस फैसले पर वो खामोश है, यानी नाराजगी कहीं ना कहीं आकाश आनंद के मन में भी है। बीएसपी के भीतर अगर पत्ता भी हिलता है तो वो बहन जी की मर्जी से हिलता है। किसे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है,
किस मुद्दे पर कितना स्टैंड लेना है, और बड़ी बात यह है कि पार्टी की नीतियों को किस तरह से जनता के सामने रखना है, ये सब कुछ बहन जी तय करती हैं। कोई नई लकीर हो ही नहीं सकती है, लेकिन आकाश आनंद के बयान लगातार इशारा कर रहे थे कि वो एक नई लकीर खींच रहे हैं, और जो बहन जी की खींची हुई लकीर से विपरीत दिशा में जा रही है, और यहीं पर आकाश से चूक हो गई। ABP News, आपको रखे आगे।